अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कूल विजिया व्लॉग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एक करी रेसिपी। तो देख सकते हैं मैंने अंडा बॉईल कर लिया था और अब मैं उसको हल्दी और मिर्ची लगा कर रख दिया था अंडा को, और फिर मैं उसको फ्राई कर ले रही थी। तो चलिए आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज उम्मीद करती हूँ मेरी ये व्लॉग रेसिपी ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगेंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ मैंने एक को अच्छे से फ्राई कर लिया था और अब मैं उसको निकाल कर अलग रख रही हूँ। चलिए अब बना लेते हैं एक करी का मसाला। मैंने प्याज को लाल कर लिया था, उसमें डाला था टमाटर और फिर मैंने उसमें डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। इसका मतलब सारे बेसिक मसाले ही इसमें गए थे, ऐसा कुछ स्पेशल मसाला इसमें होता है नहीं। हाँ, आपको बस इसको अच्छे से ब्राउन करके, लाल करके आपको बस इसको मसाले को कस लेना है ताकि इसमें सारे जो मसाले के जो फ्लेवर है, कच्चे वाले फ्लेवर, वो निकल जाए। और इसमें से जब तेल बाहर आने लगे तब इसमें डालिएगा थोड़ा सा पानी ताकि इसमें ग्रेवी बने और अच्छे से इस मसाले को फूटने मतलब बॉयल होने दीजिएगा। और हाँ, इसमें तेज़पत्ता और खड़ा गरम मसाला भी अगर आप चाहें तो इसमें शुरुआत में आप डाल सकते हैं। तो बस मैंने इसमें पानी डाल दिया है जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए और इसको बॉइलिंग पॉइंट में आने दूंगी ढककर। उसके बाद इसमें एक डाला था, डाल के मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था और ये हमारा एक करी रेसिपी तैयार होकर रेडी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की ओर। दूसरी रेसिपी है बैंगन का भरता। नॉर्मली बैंगन का भरता हम लोग जलाकर बनाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ और बहुत टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। तो देख सकते हैं मैंने बैंगन को इस तरह से काट लिया है और फिर आप इसको अच्छे से धो लीजिएगा। धोने के बाद इसमें मिलाएंगे हम कुछ बेसिक सा मसाला, और वो बेसिक सा मसाला सिंपल आपको मिलाना है इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और उसको कर लेना है फ्राई। उसके बाद ही इसका असल जो मसाला बनेगा बैंगन का भरते के लिए, वो इस पूरा बैंगन का जो भरता बनेगा ये टोटली इसका फ्लेवर को चेंज कर देगा। तो पहले हमें बैंगन को फ्राई करना है, उसके बाद इसका मसाला हम तैयार करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका हम कैसे मसाला बनाते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसको मिला रही हूँ, अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने बहुत छोटा जगह ले लिया और ये बैंगन भाग रहा है निकल निकल के, उछल उछल कर, और मैं उसे बार बार पकड़े जा रही हूँ। एनीवेज मेरी तरफ मत कीजिएगा, मुझसे गलती हो गया कि मैंने एक छोटे से जगह ले लिए। आप लोगों ने बड़ा जगह लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है, कोटिंग करना। पता नहीं क्यों मैंने ये छोटा जगह ले लिया था, शायद मुझे समझ में नहीं आया होगा कि बैंगन कटने के बाद इतना ज़्यादा हो जाएगा, वरना मैं ये गलती नहीं करती। एनीवेज गलती हो गया, सब हो गया, मतलब प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कीजिए इस गलती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया है मैंने पैन और डालूंगी उसमें थोड़े से सरसों तेल डालना है बस। आपको इसमें डीप फ्राई नहीं करना, आपको इसमें हल्का सा तेल डालना है और बैंगन को इसमें डालना है और ढककर इसको फ्राई करना है। डीप फ्राई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बाद में हम जब मसाला बनाएंगे इसमें फिर थोड़ा और तेल जाएगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी, हेल्दी खाना खाइए, टेस्टी खाना खाइए। और देखिए, जैसे कि मैं इसमें हल्का थोड़ा तेल डाली हूँ और फिर इसमें बैंगन को डालकर मैं ढककर इसको फ्राई करूँगी।
अब बना लेते हैं हम मसाला। तो मैंने जो चॉप किया था टमाटर, मिर्ची, अदरक का टुकड़ा और लहसुन का टुकड़ा और हरी मिर्ची दिया था मैंने, वो सबको चॉप किया था। और उसी पैन में, सेम पैन में जिसमें मैंने बैंगन को फ्राई किया है, उसी में उसको मैं फ्राई कर लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका सारा कच्चापन चला जाए। और इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी और फिर वापस से इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मसाला अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हमने डालना है उसमें बैंगन फ्राई जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। बस हमको उसमें सिर्फ मिक्स करना है और इसको अच्छे से कूट देना है ताकि ये बैंगन और ये मसाला जो है ना अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए, कहीं भी कोई लंप ना रहे। अच्छे से उसको मिक्स करना है ताकि बैंगन उस मसाले के साथ अच्छे से कोटिंग हो जाए और सारा मसाला का जो टेस्ट है बैंगन में आ जाए। और फिर हमें उसको और थोड़ी देर उसको अच्छे से इस टोटल मसाले के साथ फ्राई करना है। और एंड में हमें डालना है इसमें नींबू का रस, एक बड़े चम्मच या फिर बड़े चम्मच नहीं, एक टीस्पून या फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ बैंगन आप कितना भरता बना रहे हो उस हिसाब से आप नींबू का रस डाल सकते हैं। तो मैंने एक चाय चम्मच का नींबू का रस डाला था और आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं सॉल्ट या फिर मिर्ची या फिर नींबू का रस का जो भी खटास है ये सब अकॉर्डिंगली आप अपने डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैंगन भरता बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। आप इसको चावल के साथ ले सकते हैं, रोटी के साथ ले सकते हैं, दोनों में ही एकदम फर्स्ट क्लास टेस्ट आएगा। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो आज का व्लॉग मैं ये रेसिपी व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर से एक बार बोलूँगी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए।